उतारते हैं इस चॉपर को नंबर्स के साथ, ये एनिमेशन है जिससे आप ये नंबर्स देखें। ये देखिए नंबर्स लेकर 234 का एनडीए का नंबर लेकर आप देख रहे हैं एनिमेशन। फिलहाल आपको बता दें 237 हो गया। अब इंडिया गठबंधन का नंबर आपको दिखाते हैं, 144 सीट इंडिया गठबंधन लाते हुए, और ये एनिमेशन का सिर्फ एक अलग अंदाज है जिससे आप देख रहे हैं। ये आपको याद दिलाते हुए कि सबसे ज्यादा नॉनस्टॉप लखनऊ से राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं, राजनाथ सिंह लगातार वहां पर जीत रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का देखिए ये 144 सीटें लाते हुए आपको दिख रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। 144 सीट है इंडिया गठबंधन की। सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ असम से आगे चल रहे हैं। देखिए असम में भी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी ऐसे एग्जिट पोल से संकेत मिले हैं। बीजेपी अगर आप देख रहे हैं तो लगातार कई सीटों पर टीएमसी लेकिन आगे है। जादवपुर में सयानी घोष को वहां पर इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है बीजेपी से वहां पर मैदान में। और आपको बताते चले अब शत्रुघ्न सिन्हा पीछे, यानी एस एस अहलूवालिया आसनसोल की सीट पर आगे। एस एस अहलूवालिया को तब टिकट दिया गया जब पवन सिंह के बाद उनके यूट्यूब के वीडियो सामने आने के बाद पवन सिंह को विड्रॉ कर लिया बीजेपी ने। और अब यहाँ पर आपको बताते चले 30 सीटों से कम चाहिए एनडीए को अपनी सरकार बनाने के लिए, कल्याण से के लिए। 400 सीटों के आंकड़े निकलकर सामने आ गए हैं। 245 पर एनडीए इस वक्त आगे की ओर बढ़ता हुआ, यानी कि एक बहुत बड़ी लीड। आप देखिए यहाँ पर 100 सीटें से ज्यादा एनडीए गठबंधन ने अपनी जीत ले ली है। इंडिया यहाँ पर पीछे की ओर काफी ज्यादा जा चुका है। शुरुआती 13-14 मिनट इंडिया गठबंधन के लिए जरूर अच्छी खबर लेकर सामने आए, लेकिन यहाँ पर आपको बताते चले 400 सीटों के रुझान निकलकर सामने आए। स्वागत रॉय दमदम पश्चिम बंगाल से आगे चल रहे हैं, सुमेंदु अधिकारी कांती पश्चिम बंगाल से आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और यहाँ पर एसपी सिंह बघेल आगरा सीट से पिछली बार भी उन्होंने जीत हासिल की थी वो आगे चल रहे हैं। भूपेश बघेल राजनाथ गांव से चुनावी मैदान में है, कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री वो पीछे चल रहे हैं। राजनाथ गांव जो कि दबदबे वाला इलाका रमन सिंह का माना जाता रहा है, हालांकि इस बार टिकट किसी और को दिया है बीजेपी ने, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के लिए बढ़े हुए हैं। बारामती में आगे चल रही है, ये बड़ी खबर है यकीन की। सुप्रिया सुले लगातार वहां से जीत रही है, और अगर सुनेत्रा पवार वहां पर आगे रहती है, बासरी हम आपको बता दें बासरी स्वराज नई दिल्ली सीट से आगे चल रही है, लेकिन चूंकि बारामती की हमने बात की, कहा था कि मैं अपने पूरे बाल मुंडवा लूंगा अगर नरेंद्र मोदी छोड़िए बनेंगे तो प्रधानमंत्री। ये सब कहां, कोई चुनाव के बाद नतीजों के बाद ये सब याद नहीं रखता। एक बार हमारी ऑडियंस यहां बढ़ गई तो तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ, क्योंकि ये तमाम छात्र हैं और ये भी जुड़े रहेंगे अब हमारे साथ आज तक के जबरदस्त कवरेज में। प्रदीप जैन झांसी से कांग्रेस के प्रदीप जैन आगे चल रहे हैं, ये भी एक दिलचस्प खबर है। लेकिन हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से अगर दिल्ली की सीटों पर आप चर्चा करें तो दिल्ली की सीटों पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी फिर से सभी 7 सीटों में फिलहाल आगे चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से अगर पीछे चल रहे हैं तो मान सकते हैं आप कि पवन सिंह, क्या अगर ऐसे कुछ जानकारी हो तो बताइएगा। पवन सिंह काराकाट सीट पर निर्दलीय उतरे हैं चुनावी मैदान में। जालौर से वैभव गहलोत पीछे 251 सीटें, यानी अब बहुमत से रुझानों के मुताबिक थोड़ी ही सीट पीछे। शत्रुघ्न सिन्हा का पीछे चलना, देखिए जिस कायस वोट बैंक की बात कर रही थी तो पिछली बार पटना साहिब सीट पर दोनों कायस, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, दोनों के मुकाबले में रविशंकर प्रसाद जीत गए थे, शत्रुघ्न सिन्हा हार गए थे, तब वो कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, हालांकि 14 में बीजेपी से जीते थे वो पटना साहिब से बिल्कुल। लेकिन उसके बाद से देखिए उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, पार्टी से नाराजगी थी, वो चले गए कांग्रेस में। लेकिन उसके बाद आसनसोल सीट में 2022 के उपचुनाव में टीएमसी के टिकट पर वो पहली बार आसनसोल सीट टीएमसी की झोली में लाभ चुनाव में वो जीते थे। 2022 में आसनसोल जो इलाका है वो एक तरह से हिंदी बेल्ट कह लीजिए, वहाँ पर बिहार के लोग बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं और ज्यादातर बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, इस वजह से ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ से पीछे चल रहे हैं और बीजेपी अगर वहाँ से आगे हो जाती है तो। मंडी से कंगना रनौत 2000 वोट से आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में कौन कौन आगे है वो बता देते हैं। आलोक शर्मा भोपाल से आगे चल रहे हैं, शंकर लालवानी इंदौर से, वीडी शर्मा खजुराहो से, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा आगे चल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान विदिशा से आगे चल रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से, महेंद्र सोलंकी देवा से, अनिता चौहान रतलाम से आगे की ओर चल रही है। और आपको ये भी बताते चले कि एनएसी के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद पंजाब के खडूर साहिब से निर्दलीय प्रत्याशी अमृतपाल सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से यहाँ पर कई बार मामला फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपको बताते चले 427 में से 252 पर एनडीए की बड़ी बढ़त लगातार जारी है और 272 सीटें चाहिए, यानी कि 20 सीटें और उसको अगर मिलती हैं तो उसके बाद जो बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए कम से कम रुझानों में एनडीए को यहाँ पर मिल जाएगा। इंडिया गठबंधन बहुत ज्यादा पीछे हो गया है, वो कितनी तेजी से दौड़ेगा
कि 100 सीटों की बराबरी वो यहाँ पर एनडीए की कर पाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अलग अलग हिस्सों से अर्जुन मुंडा इस वक्त पीछे चल रहे हैं। वोट प्रतिशत आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि कहाँ का वोट प्रतिशत किस तरह का रहा है अभी तक का। ये सीटों का आंकड़ा हम आपको रुझानों में दिखा रहे हैं, वोट प्रतिशत टीवी स्क्रीन पर जैसे ही आएगा आपको हम दिखाएंगे। अरुण भारती जमुई से आगे चल रहे हैं, आपको बताते चले कि वो चिराग पासवान के जीजा हैं। अरुण गोविल मेरठ से आगे चल रहे हैं, मेरठ में पिछली बार 5000 वोटों से ही भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी। और बड़ी खबर यह है, राजधानी दिल्ली में एनडीए 6 सीटों पर आगे जबकि एक सीट पर इंडिया गठबंधन आगे की ओर चल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से अपनी लीड लिए हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं, 430 पहले घंटे में सही पहले घंटे में जस कत्ता से हमारा जो ट्रेंड है अमित शाह 80,000 वोटों से गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर की सीट में फिलहाल आगे चल रहे हैं और जीत का मार्जिन बढ़ता हुआ दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद अमित शाह आगे हैं। लगभग कितना 10-15 राउंड होता होगा संजय जी, 20-21 राउंड भी होते हैं, लेकिन शुरुआती जो राउंड में ही उन्होंने इतना बड़ा मार्जिन 80,000 वोटों का कर लिया।